टेक्नोलॉजी के इस एरा में हर दिन हर सेकंड अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि आपके दोस्त के पास कुछ ज़्यादा नॉलेज हो वो आपको बेवकूफ़ बना दे जबकि उसके पास बस एक ट्रिक हो। तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल सादिक अख्तर। आज मैं बात करूँगा एमएस ऑफिस, जो एमएस वर्ड ऑफिस होता है उसमें कुछ ट्रिक्स के बारे में मैं आपको बतलाऊँगा। वो ट्रिक बहुत सिंपल है पर अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होगा तो आपके दोस्त आपको इजीली उसमें बेवकूफ़ बना सकते हैं। इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊँगा मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आज मैं आपको बताऊँगा कैसे अपने एमएस वर्ड में आप बिना किसी सिंबल को यूज़ किए बस कुछ वो लेटर से आप इमोजी बना सकते हैं। इसमें आता है सैड इमोजी, इसमें आता है स्माइली इमोजी। फिर कैसे आप अपने वर्ड के साथ ट्रेडमार्क का सिंबल डाल सकते हैं बिना किसी मुशक्कत के, बिना किसी मुश्किल से उठाए हुए। कैसे आप ये कॉपीराइट का सिंबल, कैसे आप ये रजिस्टर्ड मार्क। और आखिरी में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप 2 सेकंड में इतनी बड़ी लाइन्स लिख सकते हैं। जब शुरू करते हैं, चलिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं शुरू से आपको बताने जा रहा हूँ कैसे शुरू करते हैं स्माइली से, कैसे बनाना है स्माइली। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की और सेमीकॉलन जिस टैब में रहता है उसमें डबल डॉट रहता है उसे दबाइए। उसके बाद थोड़ा साइज़ में बड़ा कर देता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। अब क्या करना है, शिफ्ट और सेमीकॉलन जिसमें रहता है वो करिएगा तो ये डबल डॉट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट जो 9 में रहता है उसको शिफ्ट और 9 का बटन दबाना है तो ये देखिए साइड इमोजी बन गया। अब आपको क्या करना है, स्माइलिंग इमोजी, स्माइली इमोजी बनाना है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया सैड इमोजी। अब बोलते हैं आपको चाहिए स्माइली इमोजी, तो आप क्या कीजिए फिर से शिफ्ट सेमीकॉलन का बटन और इस बार क्लोजिंग ब्रैकेट, ये बन गया स्माइली। अब बोलेंगे आपको एक चाहिए जो बिना एक्सप्रेशन का, तो कोई बात नहीं है शिफ्ट और सेमीकॉलन वाला बटन और शिफ्ट और जिसमें बैक स्लैश रहता है वो बनाइएगा तो ये हो गया, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन लेस। ये हो गया दोस्तों एक्सप्रेशन लेस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कोई भी नाम के साथ कॉपीराइट ट्रेडमार्क या रिजर्व का सिंबल बना सकते हो। मान लीजिए आपका एक कोई जॉब है या कोई ऑफिस है या कोई दुकान है उसका नाम राजधानी है, आप उसमें ट्रेडमार्क का साइन डालना चाहते हैं या हाँ मान लीजिए ट्रेडमार्क का साइन डालना चाहते हैं, आपको क्या करना है शिफ्ट और 9 का मतलब ओपनिंग ब्रैकेट डालना है, फिर आपको लिखना है सिंपली TM क्लोज शिफ्ट और 0 जिसमें क्लोजिंग ब्रैकेट रहता है। ये देखिए अपने आप TM बन गया, कुछ किया मैंने कुछ नहीं, शिफ्ट और ओपनिंग ब्रैकेट अंदर में TM शिफ्ट और क्लोजिंग ब्रैकेट शिफ्ट और 0 जिसमें क्लोजिंग ब्रैकेट रहता है मेरा TM बन गया। क्या करना था फिर से बता दे रहा हूँ, शिफ्ट ओपनिंग ब्रैकेट अंदर में लिखा मैंने TM फिर शिफ्ट और 0 जिसमें क्लोजिंग ब्रैकेट रहता है मतलब ओपनिंग ब्रैकेट TM क्लोजिंग ब्रैकेट आपका बन गया ट्रेडमार्क का साइन। अब आपको बताता हूँ कैसे कॉपीराइट का साइन बनाना है, तो सेम प्रोसीजर है। मान लीजिए आपका XYZ कंपनी है, आपको उसमें कॉपीराइट का सिंबल बनाना है, आपने कुछ बुक पब्लिश किया XYZ के नाम से, आपको उसमें कॉपीराइट का सिंबल बनाना है शिफ्ट 9 जिसमें ओपनिंग ब्रैकेट मेरा हो गया। अब आपको लिखना है अंदर में C सिंपली फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, ये देखिए कॉपीराइट का सिंबल बन गया। अब मुझे डालना है रजिस्टर्ड का, आपका कंपनी है मान लीजिए ऑल इज वेल कंपनी आपका है, आपको इसमें रजिस्टर्ड का साइन मानना है फिर ओपनिंग ब्रैकेट अंदर में सिर्फ आर क्लोजिंग ब्रैकेट, ये देखिए रजिस्टर्ड साइन में। कुछ लोग अगर आपको कोई अभी पहले ही से बना के दिखा था आपको लगता है अरे लगता है अंदर में पहले सर्कल बनाया फिर अंदर में आर लिखा होगा फिर सेट, ऐसा कोई बात नहीं है। अब मैं आपको जो आखिरी में बताने वाला था सो आप मैं भी जानता हूँ आप उसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते होंगे, 2 सेकंड में लंबी लंबी बड़े लाइन लिखाना, इसमें आपको कोई भी चकमा दे सकता है। आप सोचते होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये बस अपने वीडियो को बनाने के लिए ऐसा कह रहा है, सर 2 सेकंड में कौन इतना लंबा लंबा लाइन 50 लाइन 60 लाइन की लाइनें लिख सकता है वो भी 2 सेकंड में, ऐसा आज तक किसी की इतनी स्पीड नहीं। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो, जिसमें आप कुछ भी बस जो कमांड लिखने हैं इज इक्वल्स टू RAND रैंड मतलब होता है रैंडम, मतलब ये रैंडम लाइन लिख देगा। अब आपको जितने लाइन्स लिखना है, मान लीजिए मेरे लेंथ और ब्रेथ लिखना है मान लीजिए 3.3 और क्लोजिंग ब्रैकेट, अब मेरा 2 सेकंड यहाँ से शुरू था 1, 2, ये देखिए मैंने कितनी लंबी लाइन लिख ली, देखिए मुझे कुछ करनी पड़ी, ये देखिए मैंने कितने सारे वर्ड्स लिख लिए। अब मैं इसे छोटा करके बताता हूँ, शायद बड़ा हो तो आपको समझ में नहीं आया हो मैंने कितने लाइन लिख लिए हैं। मैं एक नए पेज से शुरू करता हूँ, बस साइज़ छोटा कर देता हूँ, देखिए मैंने साइज कर दिया, फिर से वही कमांड मेरे साथ कमांड बोलिए छोटा छोटा होता सही, तो चलिए दोस्तों फिट हो गया पेज। हमने मेरे साथ कमांड बोली इज इक्वल्स टू RAND आपको याद भी हो जाएगा, फिर ओपनिंग ब्रैकेट उसके अंदर आपको
कितना लाइन, कितना लाइन का लेंथ, कितना लाइन का ब्रेथ, या कितना रो या कितना कॉलम, ऐसा आप समझ लीजिए। उसके अंदर आपको लिखना है 4.4 और क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर। ये देखिए मैंने 2 सेकंड कितनी लाइन लिख ली। ये देखिए मैंने इस पेज से मैंने शुरू किया था। ये देखिए मैंने कितनी लाइनें लिख ली। तो जिस तक मैं इतना लिख सकता कोई नहीं दोस्तों, हो ही नहीं सकता। तब आप अपने दोस्त से, जिस दोस्त को इस कमांड के बारे में मालूम नहीं है, आप उसे चैलेंज लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं देखो मैं 2 सेकंड में तुमसे ज़्यादा लाइन लिख सकता हूँ। वो बोले कम नहीं, मेरे तो पैकिंग बहुत फास्ट है, उस 1000 कमाने की चैलेंज लगाए तो 1000 आपके हो जाएंगे। तो इसी बात पर एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। फिर से देखिए मैंने क्या 6.8 का और क्या मैंने देखिए मैंने कितने सारे वर्ड लिखे, कितने सारे लाइन लिखे। देखिए कोई नहीं, यहाँ से मैंने शुरू किया था। ये देखिए दोस्तों कोई नहीं, ये कमाल की चीज़। तो आज इतने ही दोस्तों, जाते जाते मेरे चैनल को यानी साथ ही को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल मैंने अभी शुरू किया और इसमें बहुत कम ही वीडियो मैंने डाले हैं, पर जो भी वीडियो है मैंने बहुत कोशिश किया कि अच्छा वीडियो डाला जाए। तो आप इन सब वीडियो को जो मेरे चैनल में चाहिए था, आपको इनको सब कुछ प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाएगा। कि मैंने कुछ कुछ हाउ टू रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम द इमेज विदाउट यूजिंग ऐप या ऑनलाइन, हाउ टू हैक वाईफाई विदाउट नोइंग इट्स पासवर्ड, ऐसा मैंने और मैं क्योंकि बोर्ड्स अभी अभी दिया हो तो मैं कुछ कुछ बोर्ड्स के बारे में भी डालते रहता हूँ। गूगल जैसे सेटिंग नाउन, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं डालते जाता हूँ। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना यही मेरा काम है। इसी के साथ चलता हूँ, चलिए इतना ही, थैंक यू।